नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदी भाषा से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसके अंदर 30 प्रश्न शामिल हैं और उस प्रैक्टिस सेट जो है हमारा बिल्कुल सीटेट बेस्ड ही है। तो आप सीटेट या अन्य TET एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ करके कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें हमें देना है। तो चलिए मैं गद्यांश को पढ़ता हूँ और आप कहीं पर चूक जाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके फिर इसको पढ़ सकते हैं और फिर इससे संबंधित प्रश्नों को हम नीचे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है और होंठ मेरे एक हरे गान में कांपते हैं। मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ और हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ। अब ये आगे दो लाइन और बची हैं इसमें। एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। आप गद्यांश को यदि पूरा नहीं पढ़ पाए तो आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अब इससे प्रश्न देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बना है, प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसका उपयुक्त शीर्षक जो है वो रहेगा युवा जंगल। ऑप्शन सेकंड जो है ये इसका उपयुक्त शीर्षक यहाँ पर हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है पद्यांश में कौन बुला रहा है। तो हमने देखा एक युवा जंगल बुला रहा है, तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा जंगल। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा जंगल बुला रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकाश कहाँ ठहरा हुआ है। तो अभी हमने गद्यांश को देखा, उसमें आया था कंधों पर आकाश ठहरा हुआ है, तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कंधों पर। ऑप्शन थर्ड जो रहेगा ये इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, युवा जंगल किसके माध्यम से बुला रहा है। तो युवा जंगल जो है वो हरी पत्तियों के माध्यम से बुला रहा है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसका उत्तर होगा। चलिए अगला है, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा पेड़। चलिए अगला है, सिराओं में किस प्रकार का रक्त बह रहा है। तो हमने पद्यांश को पढ़ा था, उसमें आया था कि सिराओं में हरा रक्त बह रहा है, क्योंकि ये पेड़ से संबंधित है इसलिए उसमें हरा रक्त बह रहा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर एक गद्यांश दिया है और उस गद्यांश को पढ़ करके हमें इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो चलिए यहाँ पर गद्यांश को मैं जल्दी पढ़ देता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और आप कहीं पर नहीं सुन पाते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की विशेषताओं की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितनी ही युक्तियां सोची। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। आज से कोई लगभग 2500 साल पहले से हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी और अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाए जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनके दीवारों और छतों पर अंकित चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुन हुआंग और लंका के सीमेरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने चित्र नकल कर लिए गए थे और तब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया। तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। बाघ और सितन वाशल की गुफाएँ उसी अजंता की परम्परा में हैं और जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई। चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर
पहला प्रश्न है इससे संबंधित, पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाने की प्रथा कितनी पुरानी है। तो हमने गद्यांश को देखा, उसमें आया था 2,250 साल पहले। तो देखिए यहाँ पर 2,250 तो नहीं लिखा है, परंतु उसके लगभग लिखा है 2,000 साल पहले की। तो हम यहाँ पर इसी को उत्तर मान लेंगे 2,000 साल पहले की, क्योंकि उसमें एक्यूरेट जो उत्तर है वो तो नहीं दिया है, पर उसका समथिंग कुछ लगभग दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, हमारी कीमती विरासत क्या है। तो हमारी कीमती विरासत यहाँ पर क्या है, तांबे के खम्भे, धातुओं के खम्भे, पत्थरों के खम्भे और ये सभी। तो इन सभी का जिक्र इसी में आया है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला है, भारत में सबसे प्रसिद्ध गुफा मंदिर है। तो इसमें अजंता तो गुफा मंदिर का उल्लेख हुआ है, तो उसमें ये भी लिखा था कि अजंता का विख्यात मंदिर है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की परंपराओं से संबंधित है। तो लास्ट लाइन में हमने देखा था उसके अंदर, वहाँ पर आया था सितन वासल की गुफा, ऑप्शन सेकंड जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आदमी ने पहाड़ों को काटना क्यों शुरू किया। तो देखिए आदमी ने पहाड़ों को काटना क्यों शुरू किया, क्योंकि जो कुछ उनके पास था वो अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने कुछ कलाकृति, कुछ तांबे पीतल आदि के खम्भे, संकेत वगैरह सब उन्होंने देने के लिए, मतलब वो अपने आप को, अपनी बातों को दूसरे आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते थे। तो हम यहाँ उसको यूँ कह सकते हैं कि उनकी खुद की जो ज़िंदगी थी उसको अमर बनाने के लिए। तो ऑप्शन सेकेंड जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है, गद्यांश में दिए गए शब्द सिरज का क्या अर्थ है। तो सिरज का अर्थ है यहाँ पर समा जाना, ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पहाड़ काटकर बनाए गए मंदिरों की दीवारों पर क्या अंकित किया गया। तो उन पर हमने देखा कि उन मंदिरों की दीवारों पर चित्रों को अंकित किया गया था, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अजंता के चित्रों की नकल किन मंदिरों में की गई। तो हमने देखा उसमें आया था चीन के हुआंग, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, सॉरी थोड़ा सा ये ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा, तो ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के गुफा मंदिर हैं। तो भारत के गुफा मंदिर कौन से हैं, तो एलोरा के मंदिर, एलिफेंटा के मंदिर, अजंता के मंदिर, तो यहाँ उत्तर रहेगा ये सभी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे हिंदी पढ़ाकर संबंधित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा हमारा ऑप्शन जो थर्ड है, ये हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा। चिंतन मनन का जो सिद्धांत है ये हिंदी मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा हिंदी शिक्षक में विस्तृत ज्ञान से अभिप्राय है। अब देखिए यहाँ पर विस्तृत ज्ञान से क्या अभिप्राय है, तो फर्स्ट दिया है भाषा तत्वों का ज्ञान, हिंदी साहित्य का ज्ञान, विषय में रुचि एवं लगन, और इसी के साथ साथ ये सभी। तो एक हिंदी शिक्षक के अंदर विस्तृत ज्ञान से मतलब रहेगा कि ये सभी चीज़ें शिक्षक के अंदर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पर हमें एक असत्य कथन को इसमें पहचानना है, और यहाँ पर असत्य कथन कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर जो रहेगा इसका उत्तर ये रहेगा ऑप्शन फोर्थ, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर असत्य है, ऑप्शन फोर्थ जो रहेगा ये असत्य है, क्योंकि विरोधाभास जो होता है भाषा परिवेश में विरोधाभास, वो भाषा सीखने में कभी भी सहयोगी नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा प्रोजेक्ट पद्धति, क्योंकि प्रोजेक्ट पद्धति जो होती है ये छोटी कक्षाओं के लिए ना होकर के बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। अक्षर बोध प्रणाली, जिसे प्राचीन प्रणाली भी कहा जाता है, से छात्रों का, तो इस प्रणाली से छात्रों का क्या होता है? तो वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उच्चारण शुद्ध होता है, विवरण दोष नहीं आ पाता, और ये सभी। तो इसका जो उत्तर रहेगा ये रहेगा उच्चारण शुद्ध होता है, ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि भाषा शिक्षण में उच्चारण जो होता है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और ये भाषा का स्वरूप निर्धारित करता है। जिसमें भाषा शिक्षण में अक्षर बोध प्रणाली एक प्राचीन प्रणाली है जिसके माध्यम से उच्चारण शुद्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि प्रणाली है, अब कौन सी यहाँ पर उपयुक्त विधि प्रणाली रहेगी? तो यहाँ पर सूत्र प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन प्रणाली और समवाय प्रणाली। तो इसका उत्तर जो रहेगा ये रहेगा ऑप्शन थर्ड, आगमन प्रणाली जो रहेगा इसका उत्तर रहेगा, क्योंकि ये जो प्रणाली होती है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि जो होती है उसे आगमन विधि भी कहते हैं, और इसमें छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। चलिए अगला है, व्याकरण की प्रयोग विधि से क्या तात्पर्य है? देखिए व्याकरण की जो प्रयोग विधि होती है उससे क्या तात्पर्य है? उदाहरण प्रस्तुत करना, व्याख्या देकर, लिख करके, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट जो है उदाहरण प्रस्तुत करना। तो प्रयोग विधि के अंदर उदाहरण प्रस्तुत करके समान लक्षणों वाले अंश के कार्य और गुण निकलवाए जाते हैं, तत्पश्चात उनका अभ्यास उसमें करवाया जाता है। चलिए अगला है, कहानी शिक्षण में बरती जाने वाली सावधानी है, तो कहानी शिक्षण में कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? कथा वस्तु में बालकों का स्तर अनुकूल हो, उसमें गतिशीलता और क्रमबद्धता हो, कथा वस्तु में भयानक और विभत्स दृश्य ना हो, और उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये उसमें भयानक और विभत्स दृश्य नहीं होना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ भयभीत हो, और बाकी उन बालकों के स्तर के अनुकूल हो, गतिशीलता क्रमबद्धता हो, ये उसमें होना चाहिए। चलिए आगे प्रश्न है अगला, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, तो एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना, क्योंकि देखिए एक बहुभाषा जो कक्षा होती है वहाँ पर सभी बच्चे अलग अलग भाषाओं को बोल सकते हैं, और वहाँ शिक्षक के लिए एक संसाधन के रूप में तो उपयोगी होती बहुभाषी कक्षा, परंतु शिक्षक उनको शिक्षण जो करवाए उसके लिए क्या उचित रणनीतियाँ तैयार करे, ये शिक्षक के लिए एक चुनौती होती है। तो इसलिए उत्तर ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? तो ये जो प्रक्रिया है, जब तक छात्र चाहो, जब तक अध्यापक चाहे, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो, तो बिल्कुल सही है, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो तब तक ये प्रक्रिया चलती रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से गृह कार्य की क्या उपयोगिता है? तो स्वाध्याय करने का अभ्यास, स्वचिंतन मनन करने की शक्ति का विकास, अतिरिक्त समय का सदुपयोग, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी उपयोगी होते हैं गृह कार्य करने से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन एवं परंपरागत शिक्षण विधि है? तो यहाँ पर फर्स्ट है निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, प्रयोग प्रणाली। तो उत्तर हो जाएगा निगमन
विधि जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के दौरान छात्र शुद्धता पूर्वक तभी लिख सकते हैं, तो कब लिख सकते हैं? जब उन्हें अपनी त्रुटियों का ज्ञान हो। ऑप्शन फर्स्ट जो रहेगा ये हमारा उत्तर रहेगा, क्योंकि भाषा शिक्षण के दौरान छात्रों को आपसी त्रुटियों का ज्ञान होना आवश्यक है, इससे वो अपनी त्रुटियों को लगातार अभ्यास के माध्यम से सुधार करके शुद्ध लिखने की कला विकसित कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ हमारा उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? तो हम यहाँ पर कौन से बाल साहित्य को सबसे उचित समझेंगे? तो हम यहाँ पर समझेंगे ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव ना हो। ऑप्शन थर्ड जो है ये हमारे लिए यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के छात्र शिक्षण प्रक्रिया में बाल साहित्य का उपयोग किया जाता है, और ऐसे साहित्य जिसमें शब्दों घटनाओं का दोहराव ना हो उसी वह उनके लिए उचित होगा। चलिए अगला प्रश्न है, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विधा यहाँ पर सबसे ज़्यादा रचनात्मक लेखन के लिए उपयुक्त रहेगी? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, पद्य। अब पद्य एक ऐसी विधा होती है जिसमें अर्थ ग्रहण करना पड़ता है और इसमें शब्दों के अर्थ को प्राप्त करके लिखा जा सकता है, तो ये एक रचनात्मक लेखन की विधा कही जा सकती है अर्थ ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप हमारे साथ इतना समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही।